तो हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट व्लॉग। तो आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया है। फाइनली आई बॉट माय फर्स्ट गोप्रो एंड मैंने लिए गोप्रो 10 एंड काफी अच्छे प्राइस पे मिल गया मेरे को अमेजोन पर। तो अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले वैसे तो मैं ऑलरेडी अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ क्योंकि अमेजोन से अब पैकेज आता है तो बंदा वीडियो जरूर बनाता है। आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड वगैरह चल रहे हैं तो मैंने बनाई, बट एक बार आपको भी दिखाने के लिए क्या क्या आया है एंड दिखाता हूँ आपको एक्चुअली में बॉक्स कैसा है एंड सब कुछ क्या क्या है दिखाता हूँ आपको। फिर तो ये है इसका बॉक्स, ये देख सकते हो आप GoPro 10 एंड बॉक्स जो एक नॉर्मल जैसे होता है वैसा ही है। ये पढ़ सकते हो आप इसके जो भी हैं स्पेसिफिकेशंस। तो अब इसको एक बार मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ GoPro का जो एक प्रॉपर बॉक्स है वो अब नहीं मिलेगा आपको अगर आप अमेज़ॉन से बाई करोगे इसको। ये आपको एक थर्माकोल सा इसमें मिलेगा बस, जिसमें GoPro मिलेगा आपको। इसको खोलते हैं, आपको दिखाता हूँ क्या क्या है इसके अंदर। ये है यूज़र मैनुअल, अगर किसी को समझ ना हो कैसे यूज़ करना है, क्या है क्या नहीं है, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए वो है। एंड फिर तो नेक्स्ट है GoPro के स्टिकर्स वगैरह, अगर आपको कहीं लगाने हो कि हाँ भाई देखो मेरे पास GoPro है, तो ये चीज़ें हैं। एंड फिर ये देखो, ये हमने बॉक्स खोल दिया एंड ये मतलब ये तो मैंने हटा दिया, इसके ऊपर एक वो लगी हुई आई थी कि हाँ लेंस वगैरह बचाने के लिए। तो ये मैं निकालता हूँ, पहले आपको ये चीज़ दिखाता हूँ मैं। तो ये है माउंट वगैरह करना हो आपको GoPro उसके लिए, ये देखो ये तीनों चीज़ें एक में लगेंगी, कहीं भी आपको माउंट वगैरह करना हो GoPro तो उसके यूज़ में आएगी है। नेक्स्ट हमें मिलती है एक टाइप सी की केबल, आपको चार्ज वगैरह मतलब साथ में अडेप्टर वगैरह नहीं है, सिर्फ टाइप सी की केबल ही मिलेगी आपको। और आजकल तो ऐसे कोई भी कंपनी नहीं देती अडेप्टर वगैरह, तो GoPro कह रही हम भी वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं, तो आपको यही एक केबल मिलेगी। एंड फिर हमें मिलता है हमारा GoPro, तो ये है हमारा GoPro। तो अराउंड 22-23 का पड़ा मुझे ये अमेज़ॉन से एंड यही सब आप देख सकते हो इसमें मिल रहा है मेरे को। एंड मैंने अभी तो आज मैंने यहीं पे स्क्रीन गार्ड वगैरह लगवाया है, यहाँ पे देख सकते हो आप ये, क्योंकि ऑफकोर्स इतना महंगा है तो थोड़ा बहुत सेफ्टी के लिए तो लेनी पड़ती हैं चीज़ें। तो अभी तक मैंने इसमें से एक मेमोरी कार्ड मंगवाया है एंड आपको बता दूँ मेमोरी कार्ड जो एक नॉर्मल सैंड डिस्क है वो नहीं चलेगा इसके अंदर। सैंड डिस्क में जो जैसे काफ़ी तरह के मेमोरी कार्ड वगैरह आते हैं, तो एक्सट्रीम और एक्सट्रीम प्रो सीरीज जो है वो चलते हैं इसके अंदर। मैं आपको GoPro ओपन करके दिखाता हूँ कैसा होता है। तो मैंने इसमें मेमोरी कार्ड तो लगाया हुआ है एंड मेमोरी कार्ड मैंने लिया है 256 GB का एंड वो भी मैंने अमेज़ॉन से लिया था, तो अराउंड मुझे 2000-2100 के अराउंड पड़ा था मुझे। तो ठीक है, देखो अब GoPro बोली बात है, हाथ ही लिया तो पालना तो पड़ेगा ही। एंड बाकी एक बार GoPro ओपन करने पहले आपको एक और चीज़ दिखा दूँ मैं। तो अब GoPro लिए इसमें तो रखूँगा नहीं ऑब्वियसली, तो मैंने ये अमेज़ॉन से एक बैग मंगवाया है, ये देखो ये काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का बैग है ये देखो। एंड ये मुझे पड़ा था अराउंड 500-600, काफ़ी अच्छा बैग है ये देखो। ये मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये लगा था लेंस पे जो आपको बता रहा था, हर उस पर लगा हुआ था पेपर अच्छा बचाने के लिए लेंस वगैरह। तो ये इसमें पार्टीशन वगैरह बने हुए हैं आप देख सकते हो, आपको GoPro रखना है यहाँ पर रख दो या ऐसे रख दो एंड बाकी यहाँ पर बैटरी रखनी है कुछ। और हाँ याद आया, इसमें आपको एक बैटरी मिलेगी एंड सिर्फ एक ही बैटरी मिलेगी, बाकी तो आपको बाय करनी पड़ेगी बाहर से। एंड बैटरी इसकी आती है अराउंड 2500 रुपीज़, तो महंगी तो है थोड़ी बहुत लेकिन अब वही है GoPro है तो लेना ही पड़ेगा एंड आपको लेनी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इस बैटरी का बैकअप अराउंड अगर आपका 100% तो 100 मिनट चलता है, मतलब अगर आप अच्छे क्वालिटी में रिकॉर्ड करते हो। एंड अब आपको मैं ओपन करके दिखाता हूँ GoPro। एंड मैंने वैसे आज ये भी मंगवाया आज, ये देखो एक GoPro का एक कवर है, ये देखो ये सेफ्टी के लिए मैंने मंगवाया है, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये कवर मंगवाया मैंने कि हाँ चलो यार इस पर लगा दूँगा, थोड़ा बच जाएगा GoPro है कभी बाई चांस कभी गिर गया है कुछ है, तो ये लेंस पे लग जाता है, ये देख सकते हो आप ऐसे लग जाता है, ये बाद में लगाऊँगा मैं। तो ठीक है यार, अब जितना सेफ रख सके उतना बेटर है यार, कुछ नहीं पता होता कब क्या ऐसे गिर जाए। तो ये है हमारा GoPro 10, ये देख सकते हो ये साइड में इसका पावर बटन है, ये देखो। तो ये देख सकते हो आप, ये सिनेमैटिक पे हुआ है इस टाइम 5.3K 60 फ्रेम पर सेकेंड। एंड ये इसका बैक कैमरा देख सकते हो आप, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब कुछ आसपास ही नहीं है कि कोई बोले कंप्लेंट करे इस चीज़ के लिए। एंड ये देखो इसमें अगर आपको मोड्स वगैरह चेंज करने हो तो ये देखो स्टैंडर्ड है, एक्टिविटी 4K 60, अल्ट्रा स्लो मोशन, बेसिक, अगर आपको 1080 में बनाना है तो। एंड बहुत ही ईजी है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि किसी को समझने में बहुत टाइम लगेगा, देखो ये बस स्वाइप करो
वीडियो, ये इसके लिए फोटो, लेट स्वाइप करो वीडियो, लेट स्वाइप करो टाइम लैप्स, बाकी काफ़ी सेटिंग्स वगैरह हैं तो वो तो आप बोल जाओगे देख देख के क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ऊपर आप ऐसे स्वाइप करोगे तो जो आपने लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करी है वो आ जाएगी। तो ये देख सकते हो अगर आपको थोड़े वाइड करने हैं कैप्चर, लीनियर करना है या फिर क्या है सब इसमें, ये देखो नैरो करना है तो ऑप्शन है। तो बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कोई डिफ़िकल्टी होगी या कुछ है, बहुत ईजी है। एंड अब मैं GoPro से रिकॉर्ड करके आपको क्वालिटी दिखाता हूँ इसकी कैसी है। तो अभी मैं शूट कर रहा हूँ 5.3K में 60 फ्रेम पर सेकेंड, तो आप क्वालिटी चेक कर सकते हो। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसी लग रही है आपको ये क्वालिटी, हालांकि थोड़ा भी फैन चल रहा है। GoPro ना बाहर ज़्यादा अच्छा काम करता है घर के मुकाबले, लेकिन इस टाइम मैं यहाँ पे अनबॉक्सिंग वगैरह करी तो मैंने सोचा फटाफट शूट करता हूँ एंड रिकॉर्ड करता हूँ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट, वो कर रहा हूँ 4K 60 फ्रेम पर सेकेंड में, तो आप डिफरेंस देख सकते हो। वैसे काफ़ी लोग ऐसा है प्रेफर करते हैं 4K 60 में, एंड कहीं लोग प्रेफर करते हैं 5.3K 60 फ्रेम पर सेकेंड, तो आप कंपैरिजन देख ही सकते हो। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ 1080p में। तो अब मैं शूट कर रहा हूँ 1080p में जो है 60 फ्रेम पर सेकेंड के साथ, तो आप कंपैरिजन देख सकते हो तीनों में। एंड ऑब्वियसली आप चूज कर सकते हो आपको किस में रिकॉर्ड करना है, बाकी इसमें कोई कमी नहीं है। एंड GoPro 11 एंड 12 के बारे में पढ़ा था, कुछ ऐसे मेजर अपग्रेड्स नहीं थे उसके अंदर, तो यही सब ये है आप देख सकते हो, ये सब चीज़ें ली हुई हैं मैंने। एंड काफ़ी अच्छे से अब लगाऊंगा इसको मैं, ये देखो। बाकी बैटरी ज़रूर लेना, क्योंकि बैटरी अब अगर आप 5.3K में रिकॉर्ड कर रहे हो बहुत जल्दी ड्रेन होगी। अगर 100% है तो 90 मिनट्स या 100 मिनट्स ही चलेगी। तो आप कहीं भी अगर जा रहे हो, कहीं भी आप ट्रैवल व्लॉग कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी। तो बैटरी तो आपको कम से कम मेरे हिसाब से एक या दो तो लेनी चाहिए आपको, तभी फ़ायदा है। क्योंकि अब हर जगह आपको चार्जर नहीं मिलेगा, हर जगह ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ही आपका पोर्टेबल चार्जर है चार्ज्ड हो, तो बैटरी तो रखनी पड़ेगी। एंड बाकी अभी मैंने स्टिक नहीं ली, सेल्फी स्टिक जो होती है, क्योंकि एक तो इतने ऑप्शंस हैं इसके, इतने ऑप्शंस हैं, मैं कंफ्यूज ही हो गया कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो अभी तो फिलहाल तो ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत रेगुलर हो जाऊँगा तो वो भी परचेज करूँगा ऑफकोर्स, जब GoPro ले तो वो भी लूँगा। तो यही थी अनबॉक्सिंग, तो इस व्लॉग को यहीं से एंड करते हैं एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग पसंद आया प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, बाय एंड टेक केयर। कैसा लग रहा है GoPro आपको? अच्छा।